हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के थर्ड चैप्टर का थर्ड वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में देखेंगे। ये क्लास ट्वेल्थ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर के लिए तो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है, अगर इस पॉइंट चार्ज से r दूरी पर जो वैद्युत विभव V का मान होता है वह होता है 1/4πε0 q/r, यही होता है। और जो q होता है वह विथ साइन लिया जाता है, चिन्ह के साथ लिया जाता है, ठीक है। q का जो मान होता है वह चिन्ह के साथ लिखा जाता है, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो वैद्युत विभव का मान होता है वह आपका इतना होता है, और Q को चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अब सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट चार्ज है, अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ऐसे बाहर की ओर होगी। अगर हम आपसे कहें कि सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, यानी ये वाली दूरी 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, ठीक है। अगर हम आपको कहें यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेड V1, अगर कहें यहाँ पे पोटेंशियल आपका जो है वो V2 है, यहाँ पे कहें वैद्युत विभव क्या है V3, यानी इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है। अच्छा, यहाँ पे जो V1 का मान होगा वह कितना होगा? इस वाले फार्मूले से अगर हम देखें V1 का मान कितना होगा, 1/4πε0 q/1। देखिए r मतलब दूरी, तो दूरी कितना है 1। इसी प्रकार से अगर V2 का मान देखें तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q/2। V3 का मान 1/4πε0 q/3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 3, तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एकदम स्पष्ट, V1 सबसे बड़ा, V2 V3 से बड़ा है, लेकिन V1 से क्या है छोटा है, V3 क्या है सबसे छोटा है, यानी V1 सबसे बड़ा, उसके बाद V2 छोटा है, फिर सबसे छोटा V3 है। यानी हम जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं वैसे वैसे विभव का मान घटता चला जा रहा है। यहाँ पे सबसे इस आवेश से सबसे नज़दीक थे तो मान सबसे ज़्यादा, इस आवेश से थोड़ी दूर गए तो मान घट गया, और दूर गए तो और मान क्या हुआ घट गया। यानी कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं वैसे वैसे विभव का भी मान घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, दूरी परिवर्तन हो रहा है, दूरी परिवर्तन हो रहा है तो विभव भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। दूरी परिवर्तन के साथ साथ यहां पे आप देखिए विभव भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता की परिभाषा क्या देंगे, एग्जाम में क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा विभव प्रवणता के बारे में। चलिए विभव प्रवणता का मान निकालते हैं, होता कितना है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज क्या है प्लस क्यू है। अब हम सपोज करते हैं कि इससे एक्स दूरी पर जो वैद्युत विभव का मान है, यहां पे जो वैद्युत विभव का मान है वह भी है, ठीक है।
इससे इस पॉइंट चार्ज से बिंदु आवेश से एक्स दूरी पर जो वैद्युत विभव का मान है वह कितना है भी है। अगर हम थोड़ा और दूर चले जाएं, दूरी थोड़ी सी हमने बढ़ा दिया, डेल्टा एक्स बढ़ा दिया, कितना दूरी बढ़ा दिया डेल्टा एक्स, दूरी और बढ़ा दिया तो विभव का मान क्या होगा और घट जाएगा। देखिए आवेश से दूर जाएंगे प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे जाएंगे वैद्युत विभव का मान घटता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी था, थोड़ा और दूर जाएंगे तो मान घट जाएगा, तो थोड़ी दूरी बढ़ाए हैं तो मान जो घटेगा वो बहुत थोड़ा सा ही कम होगा। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो वैद्युत विभव होगा वो भी माइनस डेल्टा भी होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे विभव क्यों माइनस डेल्टा भी कर दिए, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता है, तो यहाँ भी थोड़ा दूरी बढ़ा दिए तो विभव का मान घट गया। अब देखिए टोटल दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, समझ पा रहे हैं कि नहीं, टोटल दूरी कितना x प्लस डेल्टा x, x दूरी पर जो विभव है उसका मान भी, x प्लस डेल्टा x दूरी पर जो विभव है वह कितना है भी माइनस डेल्टा भी। विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर आपका होता है, विभव प्रवणता की परिभाषा भी हमने जाना, विभव प्रवणता की परिभाषा हमने क्या देखा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, एग्जाम में यही लिखेंगे, ठीक है। तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव परिवर्तन बटे, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, ठीक है। विभव में जितना परिवर्तन हो रहा है उसका भाग दूरी में परिवर्तन से दे देते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं विभव परिवर्तन निकालते हैं इस कंडीशन में, तो परिवर्तन कैसे निकलेगा हम लोग जानते हैं, अंतर कैसे निकलता है, बाद वाले में से लास्ट वाले को, सॉरी बाद वाले में से शुरू वाले को घटा देते हैं, यही है। देखिए अगर यहाँ पे विभवांतर 10 है, यहाँ पे विभवांतर 20 है, तो कितने का अंतर है, 20 में से 10 को हम लोग घटा देते हैं, बाद में से शुरू वाले को घटा देते हैं। तो बाद में देखिए विभवांतर कितना है, बाद में विभवांतर देखिए x पर इतना था, थोड़ी और दूरी हमने बढ़ाया तो भी माइनस डेल्टा भी, यानी बाद में विभवांतर कितना है भी माइनस डेल्टा भी, भी माइनस डेल्टा भी। अब इसमें से घटाएंगे, देखिए अंतर निकालना है परिवर्तन निकालना है, तो घटाते हैं शुरू वाले को, शुरू में विभवांतर विभव कितना था भी था, तो माइनस क्या करेंगे भी, क्यों घटा रहे हैं क्योंकि अंतर निकालना है, ठीक है, बटे दूरी परिवर्तन। बाद में दूरी कितना हो गया x प्लस डेल्टा x, देखिए बाद में से शुरू वाला घटा देते हैं, तो बाद में दूरी था x प्लस डेल्टा x, शुरू में दूरी कितना था x, तो बाद में से शुरुआत वाले को घटा दिया, तो यहां पे कितना x, ठीक है। तो यहां पे देखिए भी वाले से कैंसल, x वाले से कैंसल, तो जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, विभव प्रवणता बराबर आपका हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर आपका हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखिए यहां पे क्या बचा है माइनस डेल्टा भी, नीचे कितना बचा है डेल्टा एक्स, तो ये आपका हो गया विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता का जो मान होता है वो होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो जो विभव प्रवणता का मान होता है हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं, कुछ लोगों के मन में संशय होता है कि ये माइनस कहाँ से आ जाता है, तो हमने देखा माइनस कहाँ से आ जाता है, माइनस बताता क्या है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव का जो मान है वह घटता है, यह माइनस यहाँ क्या बताता है, दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे विभव का मान क्या होगा घटेगा। विभव प्रवणता की परिभाषा कैसे देंगे, विभव प्रवणता की परिभाषा हम लोग एग्जाम में लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद हम लोग इतना नोट करेंगे, ठीक है। तो विभव प्रवणता का मान कितना आता है माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसी में है विभव प्रवणता में ही है। अब लोग हम लोग देखेंगे विभव प्रवणता और विभवांतर में संबंध, ठीक है।
अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है। चलिए देखते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट GRADIENT एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं इसी से हम लोग निकालेंगे विभव प्रवणता और विभवांतर में क्या संबंध है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज में आ जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम आपसे कहें कि एक धनात्मक आवेश है प्लस क्यू, इस धनात्मक आवेश से एक्स दूरी पर एक बिंदु है ए, ठीक है, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, और इससे डेल्टा एक्स दूरी पर अति सूक्ष्म दूरी और डेल्टा एक्स पर एक बिंदु है बी, यहां पे कोई बिंदु है बी, ठीक है। इस बिंदु बी पर टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है प्लस क्यू जीरो, टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है। अच्छा प्लस क्यू आवेश है तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह किधर होगी, बाहर की ओर होगी ऐसे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ही होगी बाहर की ओर। और यहां पर जो प्लस क्यू जीरो आवेश है उस पर जो बल कार्य करेगा वह किस दिशा में कार्य करेगा, देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वह प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। तो जो बल कार्य कर रहा है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा इस प्रकार से, और इसका जो मान होगा वह क्यू जीरो इंटू ई होगा। ये कहां से हमने लिख दिया है, तो आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, ई बराबर आपका होता है यफ अपॉन क्यू जीरो, तो यहां से आपका यफ बराबर हो जाएगा ई इंटू क्यू जीरो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो होता है, ठीक है। देखिए बल इस पर किधर कार्य कर रहा है, इस दिशा में। अगर हम आपसे कहें कि इस क्यू जीरो आवेश को हम उठा करके धीरे धीरे यहां पर लेकर आए, ठीक है, हम आपसे क्या कहें कि इस प्लस क्यू जीरो आवेश को धीरे धीरे उठा करके हम लोग इधर आए, कितनी दूरी, आते सूक्ष्म डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि बल कार्य कर रहा है इस दिशा में, विस्थापन हम लोग किधर कर रहे हैं, लेकर किसे आ रहे हैं, इस चार्ज को इधर लेकर आ रहे हैं, तो बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। देखिए ये जो चार्ज है इस पर बल उस साइड लेकर लग रहा है, हम लेकर किधर आ रहे हैं, इस साइड, तो बल के विरुद्ध हम लेकर आ रहे हैं। जब बल के विरुद्ध लेकर आ रहे हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य हमने मान लिया कितना है, डब्ल्यू है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लगा दें, किसकी परिभाषा, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, तो वैद्युत विभवांतर बराबर आपका होता है कि परिभाषा से, देखिए वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से वी ए माइनस वी बी यानी बिंदु ए का विभव माइनस बिंदु बी का विभव, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, ठीक है, यह बराबर होता है डब्लू, यानी कि इस प्लस क्यू जीरो आवेश को बी से ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा बटे जिस आवेश को लेकर के आ रहे हैं, तो किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, क्यू जीरो को, तो बटे में क्या हो जाएगा, क्यू जीरो को। ये देखिए क्या है, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है, पहले वीडियो में हमने अच्छे से जाना था, यही होता है तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ये देखिए W क्या है, कार्य, कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स, देखिए बी से ए तक लेकर आ रहे हैं ना, बी से ए तक लेकर आ रहे हैं, तो विस्थापन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ये दूरी है कितना,
डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स। आप जानते हैं बल भी सदिश राशि होती है, विस्थापन भी सदिश राशि होती है, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन होता है। इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? डॉट प्रोडक्ट का। तो यहां से जब इसको तोड़ेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो आपका हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा एक्स इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार से टूटेगा, डॉट को तोड़ते हैं तो कॉस थीटा लग जाता है। चलिए आगे देखेंगे, बटे कितना है? क्यू जीरो। ठीक है, अगर मान ले हम, अगर हमने मान लिया कि इनके बीच का जो विभवांतर है, इसका जो मान आएगा वह आ रहा है डेल्टा भी। ठीक है, अगर हमने कह दिया ए और बी जो बिंदु है, इनके बीच का विभवांतर कितना है? डेल्टा भी, यानी इसका जो मान आएगा वह डेल्टा भी अगर आ रहा है, तब देखिए बल, बल कितना कार्य कर रहा है यहां पे? देखिए क्यू जीरो इंटू ए, देखिए बल कितना कार्य कर रहा है? क्यू जीरो इंटू ए। देखिए इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स, और देखिए यहां पे कॉस थीटा भी है, तो बल किधर कार्य कर रहा है? देखिए बल इस साइड कार्य कर रहा है, और हम लेकर किधर आ रहे हैं? इस साइड, लेकर किधर आ रहे हैं? इस साइड, यानी कि जो आपका कोण बन रहा है वह कितना बन रहा है? 180 अंश का कोण बन रहा है। समझ पा रहे हैं? नहीं, देखिए बल किधर कार्य कर रहा है? इस साइड। विस्थापन किधर हो रहा है? इस साइड। कोण कितने का बन रहा है? 180। हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, इनके बीच जो रिलेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन होता है, तो डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो एफ इंटू डेल्टा एक्स इंटू कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है? 180। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस 180 बटे क्यू जीरो। ठीक है, ये क्यू जीरो इस क्यू जीरो से कैंसल हो जाएगा, बचेगा कितना? देखिए डेल्टा भी बराबर, यहाँ पे देखिए e इंटू डेल्टा एक्स, कॉस 180 अंश का मान कितना होता है? माइनस एक होता है। ठीक है, कॉस 180 अंश का मान कितना होता है? माइनस एक। तो यहाँ से आपका डेल्टा भी बराबर हो जाएगा माइनस e इंटू डेल्टा एक्स। ये देखिए जो आया है, यह रिलेशन है विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र के बीच में। ठीक है, ये जो समीकरण है इसे अगर हम कह दें समीकरण नंबर एक, तो यह जो समीकरण नंबर एक है यह संबंध बताता है विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र के बीच में। ठीक है, यह समीकरण नंबर एक क्या बताता है? विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। ये तो आपका एक हेडिंग हो गया, लेकिन हमें निकलना है किसमें है? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में कैसे संबंध होगा। यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी बराबर कितना है? माइनस e इंटू डेल्टा एक्स है, यही है ना? हाँ यही है। तो यहां से अगर हम लिखें, ये डेल्टा एक्स क्या है? इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये वाला माइनस इधर है, इधर आ जाएगा। देखिए इस e को हम लोग पहले लिख रहे हैं, e को हमने पहले लिख दिया, ये वाला जो माइनस इधर था इधर कर दिया, तो माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये देखिए जो रिलेशन है, यह वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच का संबंध है। ये जो समीकरण नंबर इसे कह दिया अगर दो, तो यह समीकरण किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है? वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता। आप जानते हैं ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र होता है। ई क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। और ये पूरा विभव प्रवणता की परिभाषा भी आपने पढ़ा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स, ये पूरा क्या है? विभव प्रवणता है, परिभाषा भी आपने पढ़ा। ठीक है, ये पूरा किसका मान है? विभव प्रवणता का। तो ये आपका विभव प्रवणता। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह विभव प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, यहां से आप क्या देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के आपस में बराबर होता है। ये समीकरण नंबर एक विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध है, ये समीकरण नंबर दो वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच का संबंध है। यहां से आप देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह विभव प्रवणता के बराबर होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे सदिश राशि में तो इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोग जो है रिलेशन निकालते हैं विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में, या फिर आप कहिए विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में। बहुत ही ईजी है, एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स थे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, तो हमने इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो कुछ भी हमने आपको बताया है इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।